चलिए जी, तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। फटाफट से इस पेपर को कंप्लीट करना है हमें, और 1.5 घंटे के अंदर अंदर करना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, कोई चॉइस वॉइस नहीं, ठीक है। वो चॉइस आपके एग्जाम्स के लिए है, हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है, हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं फटाफट। देखिएगा, सबसे पहले आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आंसर आप लोगों ने फटाफट से बताने हैं सबने, ठीक है जी। तो फर्स्ट का आंसर बताते जाओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट का सी है, कोई कह रहा है डी है। देखिए जी, विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, तो बताइए ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का कौन सा पार्ट नहीं है इसमें से। ओके, बच्चे कह रहे हैं सी सी सी। हाँ जी, तो फर्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, बिल्कुल ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ये भी ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। ड्यूटीज असाइन करना, ग्रुप डिवाइड करना, ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिफाइनिंग इंटर रिलेशनशिप अमंग जॉब्स, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। इंटर रिलेशनशिप डिफाइन करना, लोगों के बीच में एक एक तरीके से कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंटरप्रेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज, डी। एक बच्चा कह रहा है सेकंड का ए है, जो भी है अभी सब्र करो थोड़ा सा। फटाफट बताइए। हाँ जी, आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड, पॉलिसी फॉर्मेशन इज फंक्शन ऑफ। बताइए जी, कौन बनाता है पॉलिसीज, फटाफट से बताओ। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो पॉलिसीज तो टॉप लेवल ही बनाता है, तो इसका आंसर हो गया ए। ये तो बेसिक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इकोनॉमिक एनवायरमेंट का एग्जाम्पल अब आप लोगों को बताना है। सबसे पहला चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये तो टेक्नोलॉजिकल है। एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, ये तो सोशल है। चेंज इन एक्सचेंज रेट रेट एंड गवर्नमेंट, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिटिकल है, तो एक्सचेंज रेट हो गया इसका आंसर। ये तो आसान आसान है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा बेटा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। आगे आते हैं, द डैश डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट हैज लीड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ वैल्यूज एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब आप बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट है जो वैल्यूज को एज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव लेके चलेगा। जो वैल्यूज को, वैल्यूज का मतलब है अच्छा काम करना और उससे अच्छी मतलब लोगों के लिए रिस्पेक्ट, ये सारे। तो फटाफट से बता दो, वैल्यूज वगैरह, वैल्यूज नॉर्म्स, ये सब सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। बिल्कुल ठीक जी, सोशल वैल्यूज, ये सब सोशल का पार्ट है, ठीक है। तो फिफ्थ पे आते हैं, प्लानिंग रिजल्ट इन डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन या प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज और कंट्रोल। जल्दी बताइए, प्लानिंग रिजल्ट इन डिक्रीजिंग, बोलो जी। हाँ, वेरी गुड आंसर आ गया है, फ्यूचर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिटरमाइनिंग फेयर रेम्यूनरेशन एज पर फ्योल। बताइए फेयर रेम्यूनरेशन के टाइम क्या सोचना होता है, बोलिए जी। फेयर रेम्यूनरेशन करते टाइम क्या सोचना होता है। अच्छा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, डिमांड ऑफ लेबरर्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्वालिफिकेशन, बोलिए जी। एक बच्चा कह रहा है ऑल ऑफ दीज, डिमांड, एक बच्चे ने कहा ए। डिमांड क्यों सोचेंगे, एक बात बताओ, डिमांड ऑफ लेबर से हमारी रेमुनरेशन का क्या लेना देना, ये तो पार्शियलिटी हो जाएगी। अगर मान लो वो एक होता है ना डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट वाला केस होता है, एक की जगह चार लोग लगे हुए हैं तो हम पैसे कम देंगे, वो वाला सीन तो यहाँ पे होगा नहीं। हाँ जी, क्वालिफिकेशन देखी जाएगी क्या फेयर रेमुनरेशन में, बोलो। हाँ, बच्चे कह रहे हैं ए सी, ए एंड सी, बोलो जी। रेमुनरेशन देखी जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग ए, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग देखेंगे। देखो कभी भी फेयर रेमुनरेशन डिटर्मिनेशन, अब आप सुनो जरा ध्यान से, सैलरी कैसे डिटर्मिनेशन होती है, सैलरी की डिटर्मिनेशन कैसे होती है कि कितनी सैलरी हमें देनी है, तो सैलरी की डिटर्मिनेशन होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पे। सैलरी डिटर्मिन कैसे होगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना खर्चा आ रहा है। दिल्ली के अंदर रहना मुंबई के कंपैरिजन में थोड़ा आसान है, थोड़ा चीप है, ठीक है। ऐसे ही बैंगलोर का कॉस्ट ऑफ लिविंग और हाई है, तो अलग अलग स्टेट्स में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होती है, तो उसके हिसाब से सैलरी डिटरमिन की जाती है, ठीक है। तो इसमें ए हो जाएगा ऑप्शन। एक बच्चा कह रहा है क्वालिफिकेशन, कॉस्ट सैलरी यहाँ पे पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाइल डिटरमाइनिंग फेयर रेमुनरेशन एज पर फ्यूल। हाँ, यहाँ पे बोल सकते हैं क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, क्वालिफिकेशन हाई है तो सैलरी देंगे, बिल्कुल क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, तो इसमें ये वाला पॉइंट बी पॉइंट नहीं होगा,
अब ए और सी में से ऑप्ट करना है तो ए ऑप्ट कर लो या सी ऑप्ट कर लो, वैसे तो चल जाएगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है ऑल ऑफ दीज, ये लेबर की डिमांड से क्या लेना देना, तो ये बी ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। तो ए और सी में से हम सिलेक्ट कर लेंगे, ए सिलेक्ट कर लो या सी सिलेक्ट कर लो, दोनों चल जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं, अब वो पेपर चेकर के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों ने भी पेपर दिए, आप लोगों को पता होगा कन्फ्लिक्ट आ जाता है जी, आंसर क्या होना चाहिए और क्या है, कभी कभार ऐसी गड़बड़ हो जाती है। आगे आते हैं नेक्स्ट, बताइए क्रैकर लिमिटेड अ फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च सम न्यू प्रोडक्ट ऑन ईव ऑफ दिवाली, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें, आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन दैट वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय द कंपनी, प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन आपको बताना है। तो इन्होंने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करा है विच अट्रैक्ट मेनी बायर टू मीट द इंक्रीज डिमांड, द कंपनी इंप्लॉयड वर्कर फ्रॉम नियर बाय विलेज, ठीक है जी, नियर बाय विलेज से उन्होंने वर्कर को हायर कर लिया। ऑल दो द प्रोडक्ट वॉज ग्रेट डिमांड, अप्रोप्रिएट सेफ्टी वार्निंग फॉर यूज वर नॉट मेंशन ऑन द पैकेट दैट लीड टू मेनी एक्सीडेंट्स। अब आप बताइए इन्होंने क्या नहीं किया, प्रॉपर वार्निंग वगैरह कहाँ पे लिखी होती है बताइए, सेफ्टी रिलेटेड वार्निंग वगैरह किसके ऊपर लिखी होती है? वेरी गुड जी, ये सब लिखा होता है लेबल के ऊपर, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोगे तो कैसे यूज करना है, उसकी यूसेज वगैरह लेबल के ऊपर लिखी होती है, तो इसका आंसर होना चाहिए लेबलिंग, ठीक है जी। तो आंसर हो जाएगा इसका लेबलिंग। आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, सूर्या यूज्ड सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन सर्वे टू गैदर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन शी इज इन्वॉल्विंग इन, बोलिए शी इज इन्वॉल्विंग इन प्रोडक्ट डिजाइनिंग, मार्केट रिसर्च, मार्केट प्लानिंग, प्रमोशन, फटाफट से बता दो। हाँ जी, वेरी गुड, कुछ बच्चे कह रहे हैं मार्केट प्लानिंग, प्लानिंग नहीं कर रही बेटा, रिसर्च कर रही है, इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया वगैरह से ऑनलाइन सर्वे करा के मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है फॉर रिसर्च पर्पस, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कि हम इस प्रोडक्ट को करें या ना करें, लोगों की डिमांड चेक करने के, लोग चाहते क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाँ जी आंसर हो जाएगा मार्केट रिसर्च, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, प्रमोशन नहीं, मार्केट रिसर्च, गैदरिंग रिसोर्सेस, हाँ जी बिल्कुल, गैदरिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, गैदरिंग रिसोर्सेज नहीं, मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था, जब मार्केटिंग हम किसी प्रोडक्ट का डिसीजन भी नहीं लेते, हम सोच रहे, हम पहले ही कस्टमर का देखते हैं, कस्टमर को चाहिए क्या, उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, तो इसीलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग क्या बनाना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं, जनरली इट इज थॉट दैट प्लानिंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग साइकिल, इट मीन्स अ प्लान इज फ्रेम्ड इज इम्प्लीमेंटेड एंड फॉलोड बाय अनदर प्लान एज सो ऑन। कह रहा है जी प्लानिंग में साइकिल चलता है, एक प्लान खत्म होगा, दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। द अबव स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू फीचर, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो, सारे बच्चे बता सकते हैं इसमें। प्लानिंग एक साइकिल की तरह चलता है, हाँ सबने कॉन्टिन्यूस बोल दिया है, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। गैदरिंग रिसोर्सेज एक बच्चा कह रहा है ऊपर वाले में, अगर गैदरिंग रिसोर्सेज होता तो फिर उसके अंदर हो सकता था प्लानिंग, मार्केट प्लानिंग, मार्केट प्लानिंग वैसे उसलिए होता है कि कौन से टारगेट मार्केट को आप हिट करोगे प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। इसमें बताइए फटाफट से, नाइन्थ का बताइए, प्लानिंग इज फ्रेम्ड इज इम्प्लीमेंटेड एंड फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन, द अबव स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्लानिंग, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड जी, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा ए, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आगे आते हैं, टेंथ पे आओ, नेम द प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स असेंबल्स रिसोर्स एंड इंटीग्रेटेड बोथ इनटू अ यूनिफाइड यूनिफाइड, ये गोल होगा यहाँ पे, हो लिखा हुआ यहाँ पे, गोल होगा ये, टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, बताइए नेम द प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स, बताओ भाई बताओ, रिसोर्स इंटीग्रेट बोथ इनटू अ यूनिफाइड गोल टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इसमें आधे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, जल्दी से सोच के बताओ। हाँ जी, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो रिसोर्सेस को और ह्यूमन एफर्ट्स को इंटीग्रेट करती है, टेंथ का बताइए। वेरी गुड जी, कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, वेरी गुड जी, ऑर्गेनाइजिंग, ह्यूमन एफर्ट्स को और रिसोर्सेस को इंटीग्रेट करती है, ऑर्गेनाइज करते हैं हम, ऑर्गेनाइजिंग। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू प्लानिंग, बताओ भाई इनमें से कौन सा सही है प्लानिंग के रेफरेंस में,
प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग एनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी, प्लानिंग एनेबल मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस, प्लानिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। फटाफट से बताओ। एक बच्चा कह रहा है नॉट ट्रू है। हाँ वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको गलत वाली स्टेटमेंट बतानी है, आपको नॉट ट्रू बताना है। ट्रू नहीं, मैंने ट्रू बोल दिया डायरेक्ट। हाँ जी, सीधी सीधी एक ही चीज दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, सही वाली को हटा देंगे, जो गलत है अपने आप आ जाएगी। प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, बिल्कुल ठीक। ठीक है, प्लानिंग एनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं जी, प्लानिंग तो रिजिड होती है, इसमें बी हो जाएगा। ये ट्रू नहीं है, प्लानिंग रिजिड होती है, प्लानिंग में तो बांध देती है हमें, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये सही नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन ने प्रोसेस पूछी है, फंक्शन नहीं। हाँ तो ऑर्गेनाइजिंग की तो बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर ही तो हम दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। आगे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजर। बताइए, लोअर लेवल मैनेजर का क्या फंक्शन नहीं है? प्रिपेयर डेली प्लान्स, गाइडिंग द वर्कर्स, ट्रेनिंग द ऑपरेटिव्स, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। फटाफट से बताओ। लोअर लेवल मैनेजर, बोलिए फटाफट से बताओ। देखो जी, लोअर लेवल मैनेजर ही आप सुपरवाइजर भी बोल सकते हो, मिडिल लेवल नहीं है, लोअर लेवल है ये। ठीक है जी, लोअर लेवल का काम हो गया डेली प्लान बनाना, सुपरवाइजर्स का काम है, वर्कर्स को गाइड करना ये भी काम है, ट्रेनिंग देना ऑपरेशंस मशीन्स वगैरह को बताना ये भी काम है, और ये बच गया लास्ट, ये काम मिडिल लेवल का होता है, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स के बीच में मिडिल लेवल काम करता है, तो इसके अंदर आपसे पूछ रहा है कौन सा फंक्शन नहीं है लोअर लेवल मैनेजर्स का, तो डी हो जाएगा। ठीक है, लोअर हमने पढ़ा टॉप लेवल मिडिल लेवल, लोअर लेवल यानी वो सुपरवाइजरी लेवल की बात कर रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, ये सारा का सारा काम हाँ टॉप लेवल का होता है, ऑल लेवल प्लान बनाता है क्या। चलिए आगे आते हैं, 13 बताओ। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, ये तो बड़ा आसान है, ये तो बता दो। ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये तो सारी बता देंगे, हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ये लो जी, केस स्टडी के ऊपर आते हैं आप, फटाफट से बताइएगा। केस स्टडी, सुहासिनी अ होम साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज हैज रिसेंटली डन अ क्रॉकरी कोर्स, शी विश टू स्टार्ट हर ऑन वेंचर्स विद अ गोल ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थी फूड। ये सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। शी डिस्कस हर आइडिया विद हर टीचर हु एनकरेज हर, आफ्टर एनालाइजिंग वेरियस ऑप्शन शी स्टार्ट बिजनेस वेंचर, दे शॉर्टलिस्ट द ऑप्शन टू सेल रेडीमेड और रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक्स एंड सत्तू मिल्क शेक, देन दे वेटेड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ। आपसे पूछ रहे हैं नेम द फंक्शंस, तो ये आपको पता ही होगा, सीबीएसई सैम्पल पेपर क्वेश्चन है। ठीक है, बता दो फटाफट से, जल्दी जल्दी। हाँ तो बेसिक है ये, तो प्लानिंग ही है, बिल्कुल ठीक। उसने सोचा कि वो अपना कुछ काम वेंचर स्टार्ट करेगी, रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक और सत्तू मिल्क शेक बनाना, तो उसने सोचा। ठीक है, सोचा, प्लानिंग। ठीक है, आगे आ रहे हैं, ये लो जी आगे आ रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट। हेमा, हेमा इज वन ऑफ द सक्सेसफुल मैनेजर ऑफ ऑफ हर कंपनी कॉब लिमिटेड, शी यूज हर क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव इन हैंडलिंग चैलेंजेस सिचुएशन एट वर्क, द नॉलेज गेन्ड बाय हर ड्यूरिंग हर स्टूडेंट डेज एट अ रिन्यूड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एज वेल एज थ्रू हर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस द ओवर द ईयर अप्लाइड बाय हेमा इन अ स्किलफुल मैनर इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ द रियलिटीज ऑफ अ गिवन सिचुएशन, शी ऑफन रीड बुक्स एंड अदर लिटरेचर इन द वेरियस फील्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट, एन एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपको बताना है, इसके अंदर क्या क्या होगा, मैनेजमेंट इज अ आर्ट साइंस प्रोफेशन या फिर दीज। तो अब यहाँ पे ना कीवर्ड क्या है, कीवर्ड देखना। सबसे पहला है क्रिएटिविटी, फर्स्ट कीवर्ड इज क्रिएटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, उसके बाद वो बुक्स रीड करती है, लिटरेचर रीड करती है, तो फटाफट से बता दो इसका क्या आना चाहिए। हाँ इनोवेशन, बोलो जी। हाँ आर्ट, वेरी गुड जी। ठीक है जी, तो सबने बता ही दिया है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आगे आ रहे हैं, अगला बताओ, नेक्स्ट आ रहे हैं। ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस स्टडीज बिजनेस स्टार्टेड एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग इंपैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज। सचिन
एन एस्टैब्लिश बिजनेसमैन अटेंड अ फ्यू सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज बाय सच एक्सपर्ट टू फेमिलाइज हिमसेल्फ विद द इंफॉर्मेशन। जीएसटी का इम्पैक्ट बता रहा है और सचिन ने काफी सेमिनार अटेंड किए हैं उसकी नॉलेज लेने के लिए। ही वॉन्ट टू यूज दीज फोरकास्ट टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग। नेम द स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस विच डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। बताइए जी, बोलो जी, प्लानिंग का स्टेप बताना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही बता दिया है। बताइए बताइए फटाफट, उसने क्या करा? जीएसटी आया तो जीएसटी की नॉलेज लेने के लिए उसने काफी सेमिनार अटेंड करे हैं और वो अब वॉन्ट टू यूज दीज फोरकास्ट टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग इन फ्यूचर, ठीक है, इन देयर बिजनेस। तो इसके अंदर आएगा डेवलपिंग प्रमाइसेस। कुछ बच्चे कह रहे हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेट क्यों कर रहा है ये? उसने नॉलेज लिया ताकि फ्यूचर में काम आए, ठीक है, प्लानिंग के अंदर। तो डेवलपिंग प्रमाइसेस, प्लानिंग करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं उन सबको अंडरस्टैंड करना, उन सबको कलेक्ट करना, प्रमाइसेस होता है ना, डेवलपिंग प्रमाइसेस। तो यहाँ पे वही किया, प्लानिंग करने के लिए जो कुछ चाहिए, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में हो चाहे वो रिसोर्सेज की फॉर्म में, उसको कलेक्ट करना डेवलपिंग प्रोमाइसेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे आते हैं 17th। विच थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट टॉक्स ऑफ कंप्लीट मेंटल चेंज। बोलो जी, बोलिए जी, फटाफट से बोलो। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो जो उसके हैं फ्योल के प्रिंसिपल है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बोलते हैं और साइंटिफिक थ्योरी टेलर के हैं, ये याद रखना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरी, ये याद रखनी है आपने। तो आपसे पूछ रहा है मेंटल चेंज किसके अंदर आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव या साइंटिफिक? बोलो जी फटाफट से, सबने ही आंसर दे दिया है। वेरी वेरी गुड जी, सबका आंसर आया है बी, साइंटिफिक थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, हाँ बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्यूल की है, याद रखना, ये एग्जाम में अगर आ गया तो फंस जाओगे। और साइंटिफिक थ्योरी टेलर ने दी है। चलिए आगे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ही बोला जाता है उसको, फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है वो। आगे, व्हाट स्टडी डिड टेलर मेक्स टू सेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्क? बताइए कौन सी स्टडी ने उसको स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्क डिसाइड करने के लिए बोला? बताइए, किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें टाइम स्टडी से पता चलता है। कितना टाइम लगेगा किसी भी काम को करने के लिए, टाइम स्टडी से पता चलेगा, ठीक है। आगे आते हैं, चलो जी। आईटीसी स्टार्ट हिज बिजनेस, होना चाहिए, विथ टबैको इंडस्ट्री, लेटर ऑन एंटर इनटू होटल इंडस्ट्री। तो आईटीसी के होटल भी आते हैं काफी सारे। कस्टमर गुड्स इंडस्ट्री, स्टेशनरी वगैरह। क्लासमेट आईटीसी का ही है, क्लासमेट की जो रजिस्टर है, ठीक है। एश्योर क्वालिटी ऑफ कस्टमर एंड केप्ट कंपनीज नेम एज इट्स आइडेंटिटी। दिस हेल्प कस्टमर इन द प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड इंश्योर क्वालिटी। इट ऑल्सो बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब आपसे पूछ रहा है मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट बताओ। प्राइस प्राइस प्रमोशन, बहुत ज्यादा इजी है, फटाफट बता दो। बोलिए जी, प्राइस प्राइस प्रमोशन, कुछ बच्चे बोल रहे हैं प्रमोशन। अरे भाई, उसके अलग अलग, उसने अलग अलग सेक्टर्स में डिसाइड किया जाना। होटल इंडस्ट्री स्टार्टिंग एज अ टोबैको कंपनी थी और उसने क्या करा, कस्टमर के प्रोडक्ट, दिस हेल्प्स कस्टमर इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड इंश्योर क्वालिटी। इट ऑल्सो बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीजिंग देयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हाँ जी, क्या होगा? वेरी गुड जी, अब बच्चे सही बता रहे हैं, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है जी। तो आगे आते हैं। अब ये डायग्राम वाले क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मैंने आप लोगों को एक पेपर और भी भेजा था, उसके अंदर भी थे ये, तो डायग्राम वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। बताइए जी, पियरल पेट क्या है ये? ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, जेनरिक नेम, फटाफट से बता दो। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है ये आर। आर ये नाम होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इंपॉर्टेंट इज दिस आर। बोलो जी, इंपॉर्टेंट इज दिस आर। हाँ वेरी गुड, अब कुछ बच्चे पकड़ पकड़ गए हैं। आर क्या है? आर का मतलब है रजिस्टर्ड,
अब जिस बच्चे ने ये आर नहीं देखा वो बेचारा फंस जाता। अगर मैं इस खाली पॉइंट की बात करूं तो ये ब्रांड नेम है। हाँ, ब्रांड और ब्रांड नेम में क्या डिफरेंस होता है? एनी नेम, सिंबल, सब कुछ भी ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। ब्रांड मार्क होता कोई एनी लोगो, जैसे ये इस टाइप का नाइकी वगैरह का लोगो। अब लेकिन यहाँ पे ये रजिस्टर्ड हो चुका है, तो आपसे पूछ रहा है सिंबल आर गिवन सर डिनोटेड, आर से इसको क्या डिनोट किया जाए? आर का मतलब है रजिस्टर्ड यानी ट्रेडमार्क, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक छोटे से आर से गड़बड़ हो सकती है एग्जाम के अंदर, समझ गए? तो ध्यान रखना आर को। आर मीन्स रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड यानी जब किसी ब्रांड मार्क को हम रजिस्टर कर देते हैं तो वो बन जाता है ट्रेडमार्क, ठीक है। आगे आ रहे हैं, 21 के ऊपर आओ। प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग बिकॉज, बताइए। हाँ, एक बच्चा कह रहा है अच्छा हुआ क्लास ले रहा हूँ, बहुत काम की चीज है। इस बार ये डायग्राम वाले क्वेश्चन, फोटो वाले चांस आ सकते हैं। प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग बिकॉज, बिल्कुल जी। कुछ बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, फटाफट बताओ बेटा। एक बात बताओ, कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड कहाँ पे बनते हैं? कैसे कंट्रोल करेंगे बताओ? एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल करेंगे, कहाँ पे बनते हैं? प्लानिंग के अंदर। हाँ जी, प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग बिकॉज इट स्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है जी। तो आंसर हो जाएगा डी। आगे आते हैं, टाइमेक्स वॉक्स वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज रिन्यूड कंपनी अचीविंग मार्केटिंग वॉचेस। टाइमेक्स की घड़ियां आती है ना, इट परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज लाइक मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट डिजाइन, मर्केंडाइजिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, ब्रांडिंग, प्लानिंग, प्रमोशन एंड सेलिंग। द कंपनी मेंटेन गुड कस्टमर रिलेशनशिप थ्रू वेरियस फॉलो अप एक्टिविटीज। दिस हेल्प्स द कंपनी इन प्रिक्योरिंग रिपीट सेल ऑर्डर्स। बढ़िया सी एक्टिविटी है, इससे कंपनी के पास कॉन्टिन्यूस ऑर्डर आते रहते हैं। आपसे पूछ रहा है नेम द कॉन्सेप्ट रिलेट टू द एक्टिविटी मेंशन इन द अबव पैराग्राफ, बताइए। हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, ध्यान से दोबारा ध्यान से सुन लो। मार्केट एनालिसिस, मार्केट को एनालिसिस करते हैं, फिर प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, बढ़िया सी पैकेजिंग करते हैं, ब्रांडिंग, प्रमोशन, सेलिंग, किसका पार्ट है ये बोल दो? ये सब किसका पार्ट है, किसके अंदर आते हैं? ये सब आते हैं जी मार्केटिंग के अंदर। तो इसका आंसर हो गया बी, मार्केटिंग, ठीक है। आगे आ रहे हैं, इसका आंसर हो गया जी बी, मार्केटिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 23। मिस्टर स्मार्ट एन एप्पल फ्रूट वेंडर इन पुराना मार्केट विशाखापट्टनम, ही डिवाइड ऑल हिज एप्पल इन टू थ्री डिफरेंट बास्केट बेस्ड ऑन साइज कलर ऑफ एप्पल्स। नेम द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डन बाय मिस्टर स्मार्ट। एक बच्चा कह रहा है गुड रिलेशनशिप की बात है, बोलो जी फटाफट से बताइए। 23rd क्या किया उसने? कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टैंडर्डाइज, नहीं जी, उसने ग्रेडिंग की है, अच्छी क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का। स्टैंडर्ड तो मतलब होता है साइज वगैरह फिक्स करना, उसने ग्रेडिंग की है, ग्रेडिंग मतलब क्वालिटी। स्टैंडर्ड का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था जीन्स आती है 24 नंबर की, फिर 26 नंबर की, 28 नंबर की, 30 की, तो वो स्टैंडर्ड है। यहाँ पे ग्रेड कर रहे हैं बढ़िया क्वालिटी के, थोड़े हल्के, थोड़े बिल्कुल रेड, अलग अलग करती है, ग्रेडिंग करती है। हाँ जी, आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आओ। तो इसका आंसर होगा ग्रेडिंग। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, 24। देखिए, लवण्या रन्स अ प्ले स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस। रिसेंटली शी प्लेस एन ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 200 चॉक बॉक्सेस। द बॉक्स वर डिलीवर्ड इनटू हर इन हाँ जी, द बॉक्स वर डिलीवर इनटू हर इन कॉर्गेटेड बॉक्स। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ पैकिंग विच फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो अब हम आ रहे हैं, फटाफट से देखिए और फटाफट बताइए। उसने 200 चौक के बॉक्स मंगाए। अब 200 चौक के बॉक्स एक गत्ते के डब्बे के अंदर आए होंगे ना, छोटे छोटे बॉक्सेस एक गत्ते के डब्बे के अंदर आए होंगे, बोलो फटाफट बोलो। 200 चौक के डब्बे कैसे आए होंगे गत्ते के डब्बे के अंदर? ट्रांसपोर्ट लेवल हाई लेवल पे उसने एक साथ मंगाए हैं, तो सेकेंडरी पैकिंग कैसे होगी? ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग होगी जी। 200 एक साथ बल्क क्वांटिटी मंगाई है ना उसने, 200 बॉक्सेस। हाँ जी, तो
कार्टन बॉक्सेस है ना ये बेसिकली, तो सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन लेवल होगा। हाँ जी चलिए आगे आते हैं। सेक्शन बी, नेम ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर इज कॉल्ड। अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा इसका, फटाफट से बता दो। वेरी गुड जी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बच्चे बोल रहे हैं, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट, नेम बोल रहा हूँ इसको मैं, सॉरी, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट अंडर अ सुपीरियर इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है आगे, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बताओ डेलीगेशन किस बेसिस पे किया जाता है, बोलो। अब आया थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, डेलीगेशन बच्चे कह रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन। नहीं जी, डिसेंट्रलाइजेशन तो परमानेंट अथॉरिटी दे देना होता है। हाँ अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो बच्चा कुछ डी है, डी को टिक कर दो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कुछ अथॉरिटी या पावर दे देना किसी को वर्क करने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन तो हो गया परमानेंट अलग अलग पोस्ट बना देना, हम यहाँ पे डेलीगेशन की बात कर रहा है। डेलीगेशन के अंदर ही हो जाता है ना, हम अपना टास्क डिवाइड कर देते हैं, थोड़ी सी अथॉरिटी दे, भाई ये आप कर लो, ये आप कर दो। इसके अंदर ए बी तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा क्योंकि उसमें दोनों लिखे हैं, तो डी टिक कर देंगे ना अब इसमें। हाँ एक बच्चा कह रहा है बी है, वेरी गुड जी। तो बच्चे बोल रहे हैं डेलीगेशन ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू द इमीडिएट सबॉर्डिनेट, और डिसेंट्रलाइजेशन लोअर लेवल पे ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है बेसिस ऑफ डेलीगेशन, तो यहाँ पे वैसे डिवीजन ऑफ लेबर बोल दिया गया, इसके अंदर ए और बी तो होंगे नहीं, तो सी भी नहीं होगा, तो डी हमने टिक कर दिया बचा हुआ। ठीक है हाँ, डेलीगेशन इज जस्ट द सबॉर्डिनेट, बिल्कुल ठीक। चलिए तो डी ही होगा, आगे बढ़ते हैं अगले पे आओ। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल फोर्सेज ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। बोलो जनरल फोर्सेस की बात करनी है, स्पेसिफिक और जनरल। जनरल फोर्सेस जल्दी से बताओ, अब कौन से होते हैं स्पेसिफिक और जनरल, पहले तो ये बता दो। जनरल फोर्सेस जो किसी जो सारे जो एक तरीके से बिजनेसेस हैं उन सबको अफेक्ट करता है, बिल्कुल ठीक। तो इसमें गवर्नमेंट के डिसीजंस या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो सारे बिजनेसेस के ऊपर लगेगी, इसमें सी हो जाएगा आंसर। इन्वेस्टर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, ये इंडिविजुअल बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। बोलो जी, कॉम्प्लेक्स है, स्टैटिक है, डायनामिक है, डाइवर्स है, बोलिए फटाफट से। हाँ जी कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, स्टडी करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, और डायनामिक है, बिल्कुल डाइवर्स है, स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक मतलब फिर ये नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट अ फीचर। ठीक है तो ये तो सिंपल था। मैकडोनल्ड द फास्ट फूड रेस्टोरेंट मेड अ मेजर चेंजेस इन इट मेन्यू टू सर्वाइव इन द इंडिया दैट डिपिक्ट दैट मैनेजमेंट इज डायनामिक, फ्लेक्सिबल, कॉन्टिजेंट, कॉन्टिन्यूस। बोलो जी बोलो, वो बहुत सिंपल है ये, फटाफट से बता दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं फ्लेक्सिबल, नहीं जी डायनामिक। डायनामिक का मतलब है जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना। ठीक है तो जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना, उन्होंने कर लिया इंडियन मार्केट के हिसाब से। इतना सस्ता बर्गर यहाँ मिल रहा है और कहाँ मिलेगा। ठीक है तो इंडिया के अंदर सस्ता सा मैकडी का बर्गर खा लो बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, इन विच कैटेगरी डज मैनेजमेंट फॉल। अब ये थोड़ा सा ब्लर है, काम चलाना पड़ेगा, बताइए इन विच कैटेगरी डज मैनेजमेंट फॉल। वेल स्टेब्लिश प्रोफेशन, सेमी प्रोफेशनल, एमर्जिंग प्रोफेशन, मार्जिनल प्रोफेशन। बड़ा आसान है, बताओ क्या मैनेजमेंट वेल स्टेब्लिश प्रोफेशन है। नहीं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नहीं है, सेमी प्रोफेशन ना, मार्जिनल प्रोफेशन नहीं, एमर्जिंग प्रोफेशन है, मतलब इस तरफ बढ़ रहा है, अभी बढ़ा नहीं है, अभी इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे, टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फॉर्मुलेशन ऑफ। जल्दी बताइए, बोलो जी, टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फॉर्मुलेशन ऑफ। बोलो बोलो, टॉप मैनेजमेंट क्या बनाती है। बच्चे कह रहे हैं गाइडलाइन फॉर सुपरवाइजर, नहीं जी ये टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है,
शॉर्ट टर्म प्लान भी नहीं बनाती टॉप मैनेजमेंट, सुपरवाइजर की के लिए गाइडलाइन टॉप मैनेजमेंट क्यों बनाएगी? सुपरवाइजर लोअर है, उससे ऊपर मिडिल है, वो बनाएंगे। तो इसमें आंसर होगा लॉन्ग टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान बनाती है शॉर्ट टॉप मैनेजमेंट। आगे, लेबलिंग ऑफ अ पैक ऑफ ओट्स कुकीज, एक्सप्लेन हाउ प्रोडक्ट इज बेनिफिशियल बेनिफिशियल इज एडेड फाइबर टू द डाइट एंड अदर रिलेटेड हेल्थ बेनिफिट्स, आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन ऑफ लेबलिंग बीइंग डिस्क्राइब इन द गिवन केस। बताओ जी, पैक ऑफ ओट्स कुकीज, बोलो बोलो जल्दी। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, आइडेंटिफाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, हेल्थ एंड प्रमोशन। जल्दी बोलिए, फटाफट बोलो। लेबल ऑफ अ पैक ऑफ ओट्स कुकीज, बोलो जी बोलो। हाँ, ए बोल रहे हैं, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड इट्स कंटेंट। ध्यान से अब सोचना, पैक ऑफ ओट्स कुकीज, एक्सप्लेन हाउ द प्रोडक्ट इज बेनिफिशियल इन एडिंग फाइबर टू द डाइट एंड अदर रिलेटेड हेल्थ बेनिफिट्स। बेटा ये जो लेबल है ना, ये बता रहा है कि कैसा कैसे हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है हेल्थ के लिए, ठीक है? फाइबर टू द डाइट, डाइट के अंदर फाइबर ऐड करो, कैसे बढ़िया है, ठीक है? तो ये एक तरीके का, ये जो स्पेशल बोला गया है, इसके अंदर प्रोडक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। प्रोडक्ट को डिस्क्राइब बहुत सारे बच्चे ए बोल रहे हैं इसमें, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब तब करता जब उसके प्रोडक्ट के जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्या क्या मिलके बना है प्रोडक्ट, वो सब लिखा होता, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड, ब्रांड जो है, ब्रांड ब्रांड आइडेंटिफाई यहाँ पे हुआ ही नहीं है, लेबल के ऊपर लिखा ही नहीं है कि कौन सी कंपनी का है या क्या, ठीक है? ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट ये भी लिखा होता है यहाँ पे, लेकिन बेसिकली हाईलाइट क्या किया जा रहा है, पैक ऑफ ओट्स कुकीज। ये कह रहा है जी, पैक ऑफ ओट्स कुकीज, आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर को ऐड करो। तो ये एक तरीके से अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके अंदर प्रोडक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, इसके अंदर डी होगा हेल्प इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? वही तो बता रहा हूँ, प्रमोशन कैसे, पैक ऑफ ओट्स कुकीज, इसके थ्रू ये स्पेशल, मतलब ओट्स कुकीज, ओट्स के कुकीज, नॉर्मली लोग ओट्स खाते हैं, ध्यान से सुनना, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, नॉर्मली लोग ओट्स बना के खाते हैं, यहाँ ये स्पेशल हाईलाइट कर रहा है जी, पैक ऑफ ओट्स कुकीज। हाँ, एक बच्चा कह रहा है ये भी तो हो सकता है उसका कंटेंट बता रहा है, वो कंटेंट तो बेटा तब बताएगा ना जब उसके अंदर आगे की डिटेल होगी कि क्या क्या इसके अंदर क्या क्या मिक्स है। हाँ, ये बात भी, हाउ द प्रोडक्ट इज बेनिफिशियल इन एडिंग फाइबर टू द डाइट एंड अदर रिलेटेड हेल्थ बेनिफिट्स, वो बात आपकी सही है कि ये बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से आप फाइबर को अपनी डाइट के अंदर डाल सकते हैं। तो ये लेबल का ही तो पैक है, ये लेबल का ही तो पार्ट है, लेबल के अंदर ये सब लिखा हुआ है, लेबल के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है, किस तरीके से आप इसको ऐड करेंगे, ये सब सब कुछ लेबल के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये प्रमोशन के लिए यूज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दो, ये पूरा कंटेंट लेबल इनके ऊपर है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इस पे टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते हैं, हमारे पास 10 क्वेश्चन स्किप करने की एक ऑप्शन है, आगे आते हैं। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन, बताओ जी करेक्ट वाला ऑप्शन बताओ। पहला, सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव द लेजी पर्सन शुड बी डील विद स्टर्नली सो दैट एवरीवन गेट्स द मैसेज दैट इजंट इन द आई ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल आर इक्वल। बताओ भाई क्या करना है इसमें। हाँ जी, एक कॉल आ रही है, हाँ एक बच्चे कह रहे हैं स्किप करना है इसको। बोलो जी, सिंप्लीफिकेशन का क्या मोटिव होता है? सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी, सही बोल रहा है बच्चे, कह रहे हैं बोथ आर करेक्ट, बोलो बोलो फटाफट से बोलो। पहले तो ये कह रहा है सिंप्लीफिकेशन में अननेसेसरी चीजों का एलिमिनेट कर देंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव लेजी पर्सन शुड बी डील विद स्टर्नली सो दैट एवरीवन गेट्स मैसेज दैट इन द आई ऑफ मैनेजमेंट ऑल आर इक्वल। बोलो, दोनों रिलेट कर रहे हैं क्या? अच्छा, इनिशिएटिव के अंदर क्या ये होता है क्या, पहले ये बताओ, क्या इनिशिएटिव के अंदर ये होता है कि लेजी पीपल्स को काम देना चाहिए, पहले ये बताओ,
इनिशिएटिव के अंदर ये होता है क्या? नहीं जी, तो ये तो गलत है। इसमें ए सही है, बी गलत है। अब कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर? ऑप्शन है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, ए हो जाएगा इसका। ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं। ओके जी, आगे आ रहे हैं। नेक्स्ट, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड द राइट प्लेस फॉर फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड? राइट प्लेस फॉर फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स, सही रिसोर्सेज सही जगह पे और सही आदमी को सही काम देना चाहिए। बड़ा आसान है प्रिंसिपल, बताओ कौन सा प्रिंसिपल कहता है? वेरी गुड जी, फटाफट आंसर आना चाहिए। ऑर्डर, आगे आ रहे हैं। ऑन विजिटिंग अ सुपरमार्केट टू बाय अ पैक ऑफ मॉइस्चराइजर, हर्षा नोटिस दैट द पैकिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द ब्यूटी प्रोडक्ट एग्जिबिट्स अ फोटोग्राफ ऑफ अ सेलिब्रिटी। हर एक ब्यूटी प्रोडक्ट पे कैटरीना कैफ, अलग अलग दीपिका पादुकोण, सबकी फोटोज लगी हुई है। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन ऑफ पैकिंग, बोलो जी। इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको पैकिंग का फंक्शन बताना है, बताइए क्या है। हाँ विक्की कौशल, बोलो जी। विकेट, ए बी सी डी, इतनी देर में तो आंसर आ जाता है। हाँ जी, असिस्ट प्रमोशन इन द प्रोडक्ट, असिस्ट इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सलमान खान, जो भी है, चलो आगे आते हैं। परवेसिवनेस इज प्लानिंग इंडिकेट दैट, प्लानिंग, बोलो जी। डर्मी कुल वरुण धवन, अब जो भी है जल्दी से बताओ। परवेसिव का मतलब क्या है? एवरीवेयर, परवेसिव एवरीवेयर, एवरीवेयर। हाँ जी, एक्सटेंड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह। आगे आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, फैट टू फिट लिमिटेड मैन्युफैक्चर विटामिन सी टेबलेट टू इंप्रूव द इम्यूनिटी ऑफ पीपल इन द इन दिस पेंडेमिक। विटामिन सी टेबलेट अब सबने खाई होंगी। दीज टेबलेट्स आर पैक्ड इन स्ट्रिप ऑफ 12 ईच, ईच ऑफ स्ट्रिप इज पैक इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, 45 ऑफ सच बॉक्स देन प्लेस्ड इन अ बिग कॉर्गेटेड बॉक्स एंड डिलीवर टू वेरियस रिटेलर ऑफ फॉर सेल। अच्छा, ये वर्ड ध्यान रखना, कार्टून बॉक्सेस जो होते हैं ना, कार्टून गत्ते के कार्टून, उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं कॉर्गेटेड बॉक्सेस, कॉर्गेटेड बॉक्सेस होगा प्रोनाउंसिएशन, जो भी अब देख लेना। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना। आपसे पूछ रहा है स्टेट द पर्पस ऑफ पैकिंग द टेबलेट इन कॉर्गेटेड बॉक्सेस, क्या होगी? बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। गत्ते के डब्बे के अंदर, कार्टून्स बोलते हैं इसको जनरली हम लोग, गत्ते के कार्टून होते हैं, तो ये वर्ड याद रखना अगर आ गया तो, ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग, सीधी सी बात है, ये याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, 37th हो गया है, 38th पे आओ फटाफट से बताओ। अच्छा एक मिनट रुको, 37 दोबारा पढ़ने पड़ेगा मुझे, मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, एक मिनट देखने को। तो इसका मेन पर्पस क्या है? स्टेट द पर्पस ऑफ पैकिंग द टैबलेट इन कॉर्गेटेड बॉक्सेस। तो पहला पर्पस तो ये हो गया, टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। अब गत्ते के डब्बे के अंदर, हाँ बच्चे कह रहे हैं डी होगा, रुक जाओ। हाँ, इसको पहले ट्रांसपोर्टेशन में तो यूज करते हैं, साथ साथ वेयर हाउस के अंदर भी तो रखा जाता है इसी को यूज करके। हाँ इसका डी होगा जी, बिल्कुल ठीक, डी होगा, वेयर हाउस के अंदर भी तो रखा जाता है। दो ऑप्शन है, डी टिक कर दो। वेयर हाउस मतलब स्टॉक करके रखा जाता है, तो गत्ते के डब्बे के अंदर ही तो रखा जाता है। बच्चे कह रहे हैं सी क्यों, सी नहीं डी, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। अरे वो कार्टून बॉक्सेस होते हैं ना गत्ते के डब्बे, उसके अंदर क्यों डालते हैं हम प्रोडक्ट को? पहला ट्रांसपोर्टेशन के लिए, दूसरा वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब स्टॉक करने के लिए, उसी के अंदर तो रखा जाता है एक साथ बहुत सारा सामान, और तीसरा आइडेंटिफाई भी हो जाएगा प्रोडक्ट, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। अब 38 पे आ जाओ, आ गई हमारी रीजन अजर्शन। तो फटाफट से, एडवर्टीजमेंट इज वेरी इकोनॉमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्या सही बोल रहा है? चीपर मोड है, बोलिए जी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, चीपर मोड है, बिकॉज इट इज वाइड रीच, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट गेट स्प्रेड, एज अ रिजल्ट पर यूनिट कॉस्ट रीच कम्स लो। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी, तो इसमें दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही है। ए टिक कर दूंगा आग बंद करके, बच्चे रोते हैं अजर्शन रीजन, सही है अजर्शन रीजन, बाकी तो एग्जाम में कल बताएंगे कैसी हमारी अजर्शन रीजन। चलिए आगे आते हैं, 39। एज पर द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन द नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन, बोलो। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन द नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, बोलो। हाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। थर्टी नाइन्थ,
हाँ जी 39th, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का अगर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, लेवल्स नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज या डिक्रीज। हाँ जी रिमेन अनअफेक्टिव, बेटा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा जी, डिक्रीज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। चलो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, 40 बताओ, अभी एक बार देख लेना अपनी बुक के अंदर, ठीक है, इस पॉइंट को बच्चे कह रहे हैं कैसे, बुक में देख लेना आप। चलिए आगे आते हैं, टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल इज अ स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, आइडेंटिफाई द स्टेप। बताओ आपसे पूछ रहा है सी वेदर प्लान आर बीइंग इंप्लीमेंटेड एंड एक्टिविटी आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, ये चेक करना कि भाई काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ एक्टिविटी सही चल रही है या नहीं चल रही, उसको क्या बोलते हैं, फटाफट बताओ। एक बच्चा कह रहा है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइडर और टॉल मींस, बोलिए जी। तो इसके अंदर आ जाएगा फॉलो अप एक्शन, ठीक है, तो फॉलो अप ऑफ अ प्लान बोलते हैं इसको, चेक करना भाई एज पर प्लानिंग सही चल रहा है सब कुछ या नहीं चल रहा, ठीक है। आगे आते हैं, अंडर अकाउंटेबिलिटी अ पर्सन इज आंसरेबल फॉर द, बोलो जी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, फाइनल आउटकम ऑफ असाइनिंग टास्क, मिसकंडक्ट ऑफ कॉलीग, नन ऑफ दीज, फटाफट बताइए। बोलो बोलो फटाफट से बोलो भाई, जो उसको अकाउंटेबिलिटी में जो उसको काम दिया गया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना, आंसरेबल फॉर द वर्क असाइन टू हिम, जो भी काम उसको दिया गया उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, आंसरेबल होगा, सॉरी। हाँ जी, विच फैक्टर इज नॉट इंक्लूड इन इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बोलो जी कौन सा फैक्टर इंक्लूड नहीं है, फटाफट से बोलते जाओ, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, पब्लिक या प्रोडक्शन मेथड। हाँ जी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, ये सब कुछ है, प्रोडक्शन मेथड, ये सब कुछ इंटरनली डिसाइड होता है, पब्लिक का इंटरनल मैनेजमेंट से क्या लेना देना, इंटरनल एनवायरनमेंट यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रमोशन, प्रमोशन कहाँ है इसके अंदर, बोलिए जी फटाफट से बोलिए, ठीक है। चलो अभी बाकी डिस्कस कर लेंगे, आगे बताते हैं, व्हाट इज द की टू मैनेजरियल पोस्ट, बोलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, नन ऑफ दीज, बोलिए फटाफट। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जी, कंफ्यूजिंग, 43 का बी बच्चे बोल रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी या अथॉरिटी, मैनेजीरियल मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होती है जी, मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होती है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। आगे आते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी उनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, वही की है मैनेजीरियल पोस्ट की, मैनेजर्स के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी। अब बच्चे कह रहे हैं स्किप, कंफ्यूजिंग, स्किप कर देंगे, अब जो भी है भाई 10 ऑप्शंस है आपके पास, लेकिन कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। थ्रू दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल गाइड द मैनेजर टू एग्जिबिट एक्सटेम्पररी एग्जेम्पलरी बिहेवियर एंड एडवाइजेज दैट दे शुड नॉट फॉल इन टू टेम्पटेशन ऑफ मिस यूज देयर पावर ऑफ पर्सनल बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बींग डिस्क्राइब इन द अबव स्टेटमेंट, बोलिए। हाँ बिल्कुल ठीक, कुछ बच्चे कह रहे हैं सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत सारे बच्चों ने सही बोल दिया, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है जी। आगे आते हैं, नेक्स्ट आ रहे हैं केपीओ के ऊपर, केस स्टडी दी हुई है, केपीओ बीपीओ, अब फटाफट ध्यान देना, केस स्टडी, इन टूडेज डायनामिक एनवायरमेंट कंपनीज आर स्पेशलाइज इन देयर कोर कॉम्पिटेंसीज एंड डाइवेस्टिंग नॉन कोर बिजनेस, तो कंपनी कह रही है हम सिर्फ मेन काम की बात, हम बिजनेस खुद करेंगे और जो हमारे काम का नहीं है, जो नॉन एक्सपर्टाइज है, उनको हम आउटसोर्स कर देंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मेनी
वन मे साइट द डिसीजन ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इन डाइवेस्टिंग नॉन कोर बिजनेसेस ऑफ केमिकल एंड सीड्स. सम कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर नॉन कोर एक्टिविटीज लाइक शेयर ट्रांसफर मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग द आउटसाइड एजेंसीज सो मच सो दैट इवन कोर प्रोसेस सच एज R&D, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग आर बींग आउटसोर्स टूडे. दस द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हैज इंक्रीज. आपसे पूछ रहे आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. हद हो गई, मतलब कहाँ की बात कहाँ डाल दी. आइडेंटिफाई करना है आपको सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. बोलिए बोलो. यहाँ पे चेंजेस, केस स्टडी के अंदर चेंजेस की बात कर रहा है कि आज के टाइम पे चेंज आया है. कंपनियां मेन जो कोर कॉम्पिटेंसीज वर्क है वो खुद करती हैं, नॉन कोर कॉम्पिटेंसीज आउटसोर्स करती थी. तो अब आप बताइए मैनेजमेंट का फीचर आपसे पूछ रहा है. सिग्निफिकेंस इज हाईलाइटेड हियर. बताइए फटाफट से. तो आंसर इज सी, मीटिंग चेंजेस रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट आ रहे हैं, टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द मैनेजर मैनेजर ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग्स. यहाँ पे कीवर्ड इज मैनेजर ऑफ द फर्स्ट लाइन बिलोंग्स. लोअर, मिडिल, टॉप, फटाफट से बताओ. हाँ जी, मैनेजर ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग्स. टॉप लेवल बोल रहे हैं बच्चे बहुत सारे, और कुछ बच्चे मिडिल बोल रहे हैं, और कुछ बच्चे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं. भैया आंसर तो दो, ए बी सी डी. हाँ, ज्यादातर बच्चे बी बोल रहे हैं, तो लोअर लेवल आ जाएगा इसमें. ओके, मैनेजर ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग्स, लोअर लेवल. ये एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है? तो इस पॉइंट को एक बार आप चेक कर लीजिएगा. 46 का ए बोल रहे हैं बच्चे, ये एक पॉइंट एक बार देख लेना आप, ठीक है? आगे आते हैं. बॉनी लिमिटेड इज एबल टू अचीव द टारगेट प्रोडक्शन 5,000 यूनिट विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड. However, to achieve the target on time, additional 40,000 were paid as overtime wages to employee. Boney Limited is, बोलिए जी. उसने टारगेट दिया है 5,000 यूनिट का विद इन द टाइम, लेकिन उसको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ गए. तो बताइए, एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर लिए उसने. हाँ, टारगेट तो अचीव कर लिया बट एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर दिए. तो इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है. ये तो बहुत बढ़िया, इसमें मैंने यूट्यूब पे बहुत डिटेल में डाला हुआ है, ठीक है जी? तो ये तो सिंपल है, ये आप लोग बता सकते हो. उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया, यानी इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है, ठीक है? तो ये यूट्यूब पे डाला हुआ है, देख लेना. फॉक लिमिटेड इज अ लेदर बैग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. द कंपनी इज यूजिंग प्रोहिबिटेड एनिमल स्किन टू मेक लेदर बैग्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाइड सम ऑफ इट्स कस्टमर. विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बीइंग वायलेटेड इन द गिवन केसेस? बताओ. कुछ कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोहिबिटेड एनिमल्स की स्किन भी यूज करती है वो कंपनी, जिनको मारना पैन है. बताइए, वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है जो वो चाह रहे हैं, उनको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही है, लेकिन वहां पे उसने एक पॉइंट को जो है वो वायलेट कर दिया. कौन सा? एक बच्चे कह रहे हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. अरे वो तो इन्वायरमेंट के बारे में है. ठीक है, आगे बताओ. और वेरी गुड जी. कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. नहीं जी, उसने एनिमल्स को मार दिया, बिल्कुल, जो कि अगेंस्ट था. प्रोहिबिटेड एनिमल्स को मार दिया. ये स्नेक्स वगैरह इन सब का तो होता ही है, जैसे चाइना वगैरह के अंदर जो लेदर बेल्ट आती हैं वो सांप की खाल से बनती है, सांप पालते हैं वो, ठीक है? तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे प्रोहिबिटेड एनिमल्स की स्किन यूज कर ले उसने, तो सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को वायलेट कर दिया. सोसाइटी का भी भला करो साथ साथ अपने. अब ये केस स्टडी है जी, नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं आपको. हाँ, सूप भी पीते हैं आप, जो भी है जी. लो बेटा, एक केस स्टडी है, इसको फटाफट से पढ़ डालो पहले. रामदास एज्ड 49 इज वर्किंग इन एन इनोवेटिव कंपनी. जी केस स्टडी देखो फटाफट से आगे. रामदास एज्ड 49 वर्किंग इन एन एविएशन कंपनी. ही इज सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय इन द इन हिज डिविजन. अच्छा, इतनी लंबी चौड़ी केस स्टडी पढ़ने से पहले ना एक बार नीचे पढ़ लेते हैं. पहले पूछ रहा है आइडेंटिफाई स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस व्हिच हैव नॉट बीन कैरिड आउट प्रॉपरली. पहले तो ये पूछ रहा है, स्टेट द स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस व्हिच हैव बीन टेकन बाय कनापुटी टू रिस्पॉन्ड टू द कंप्लेन ऑफ रामदास. ठीक है, तो ये दो तीन केस स्टडी दी हुई है आगे. पहले अब हम पढ़ लेते हैं तो ध्यान से देख लेंगे. ये अब पूरा केस स्टडी बेस्ड है एविएशन
एविएशन वो है ना, एयरप्लेन वाली एविएशन इंडस्ट्री। अच्छा, ही इज इवन सीनियर रामदास, 49 ईयर्स वर्किंग इन एन एविएशन कंपनी। ही इज द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉई, ही इज इवन सीनियर टू द डिविजन मैनेजर। कनापुटी, रामदास इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट कमिटेड, कैपेबल एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एबिलिटी एंड सीनियरिटी, ही जनरली रिसीव द वर्क असाइनमेंट ऑफ हिज चॉइस। बेटा सीनियर है तो उसको उसके हिसाब से काम दे रहे हैं। ऑल्दो देयर वाज नो फॉर्मल डिजाइन ऑफ वेरियस स्पेशल प्रोजेक्ट असाइन टू रामदास, ही हैंडल देम एज अ मैटर ऑफ रूटीन। तो ऐसा कोई फॉर्मली उसको सौंपा नहीं जाता, लेकिन वो फिर भी उसको हैंडल कर लेता है। अ प्रॉब्लम डेवलप्ड व्हेन एन एबल एंड इंटेलिजेंट पर्सन नागार्जुन 33 वाज अपॉइंटेड बाय कनापुटी। नागार्जुन प्रीवियस 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द क्लोज रिलेटेड वर्क मेड इट पॉसिबल फॉर हिम टू कैच वन ऑफ द रूटीन वर्क ऑफ हिज न्यू जॉब मोर रैपिडली देन वाज कस्टमरी फॉर द न्यू एम्प्लॉय। ऑन सेवरल ओकेशन कनापुटी नोटिस दैट द टेंशन डेवलपिंग बिटवीन टू एम्प्लॉयज। मतलब वो उसका काम ले रहा है तो वो उसने नोटिस किया कि भाई दोनों के बीच में झगड़े वगड़े थोड़े से बढ़ रहे हैं, टेंशन बढ़ रही है। हाउएवर ही डिडंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन देयर पर्सनल इश्यूज एज लॉन्ग एज द वर्क वॉज कम्प्लीटेड इफिशियंटली बट इफेक्टिवली एंड इफेक्टिवली बाय देम। तो वो कह रहे जी आपस में झगड़ा कर रहे हैं वो दोनों, एक नागार्जुन जो नया पर्सन आया, एक रामदास जो पुराना पर्सन है, उसको पहले काम मिलता था, नया पर्सन अपॉइंट हुआ, तो अब वो आपस में झगड़ा करते हैं काम को लेके। लेकिन जो कनापुटी है, जो उसका मालिक है, वो कह रहा है कोई बात नहीं, झगड़ने तो काम तो सही टाइम पे कर रहे हैं ना। ऑन द डे द टेंशन बिटवीन देम रीच्ड द बॉइलिंग पॉइंट एंड रामदास कंप्लेन टू कनापुटी स्टेटिंग दैट हिज ड्यूटी वर बीइंग लार्जली टेकन ओवर बाय नागार्जुन। तो उसने भाई जब बहुत सर से पानी ऊपर हो गया तो उसने कंप्लेन कर दी। कनापुटी इशू द ऑर्डर स्टेटिंग द क्लियर लोकेशन ऑफ द जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज बिटवीन द टू। तो अब ये मेन पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से देखना। कनापुटी ने एक ऑर्डर इशू किया, स्टेट किसको क्या काम करना है उसको क्लियर कर दिया। ही फर्दर क्लेरिफाई द वर्क रिलेशनशिप बिटवीन देम बाय स्पेसिफाइंग हु वाज टू रिपोर्ट टू हुम। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट किया ही ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ही हेल्प इन रिड्यूसिंग द वर्कलोड, उससे वर्कलोड भी कम हुआ, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और एम्बिग्युटी भी जो प्रॉब्लम थी उनकी वो खत्म हो गई। तो आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस व्हिच हैव नॉट बीन कैरीड आउट प्रॉपरली टू कंट्रीब्यूट द प्रॉब्लम इनिशिएटेड। तो सबसे पहले पूछ रहा है आपसे ऑर्गेनाइजिंग की कौन सी प्रोसेस है जो यहाँ इन्होंने ढंग से नहीं की थी जिसकी वजह से ये बेसिक प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है, पहले तो आप ये बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से बताओ यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का कौन सा काम ढंग से नहीं हुआ था। कुछ बच्चे बता रहे हैं वेरी गुड जी, हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी। ठीक है, जो यहाँ पे क्या हुआ था, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज ढंग से नहीं थी, किसका क्या काम है क्या ड्यूटी है वो ढंग से नहीं थी। ठीक है जी, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन वो तो क्लियर है, यहाँ पे देखो दे तो रखा है कि कोई फॉर्मल प्रॉपरली स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट डिजाइन नहीं होता कि इसको कौन करेगा। यहाँ पे ड्यूटीज असाइन नहीं थी, किसका क्या ड्यूटी है। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है स्टेट द स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस व्हिच हैव बीन टेकन बाय कनापुटी टू रिस्पोंड द कंप्लेन ऑफ रामदास। वह बताइए इसने कौन सा स्टेप लिया जिससे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। बोलो जी फटाफट से बताओ, उसने क्या किया, ड्यूटी असाइन कर दी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट कर दी। दो पॉइंट यहाँ पे लास्ट में ने हाईलाइट किए थे, उसने क्लियर अलोकेशन ऑफ ड्यूटीज कर दी और साथ साथ कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो क्लियर कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दो पॉइंट किसमें है, सी में है, तो थर्ड और फोर्थ सी के अंदर है। आगे दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द वर्कलोड एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिमूविंग एम्बिग्युटी विच इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हैज बीन रेफर्ड हियर। बताइए भाई कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्लियर मेंशन है। हाँ जी, सारे पॉइंट पढ़े बिना आंसर नहीं देने चाहिए जिसके अंदर ऑल ऑफ दीज लिखा हो, सारे पॉइंट पढ़ने हैं आपने। पहला क्लैरिटी इन वर्क रिलेशनशिप, हाँ जी बिल्कुल, कौन क्या काम करेगा। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल देखो यहाँ पे अब जरा ध्यान देना, वर्कलोड रिड्यूस होगा कैसे, जब वर्किंग रिलेशनशिप पता हो कौन क्या काम करेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जब स्पेशलाइजेशन होगी। रिमूविंग एम्बिग्युटी, जब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्विक रिस्पॉन्स देने वाला, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। आगे आते हैं अब, फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज इसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बी
अकम्पनी विद नेसेसरी, बताओ भाई। डेलीगेशन इफेक्टिव हो इसके लिए क्या जरूरी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके साथ हो? विद प्रॉपर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकम्पनीड विद नेसेसरी अथॉरिटीज, बिल्कुल ठीक। ये तो आसान था, आगे आते हैं। ठीक है, तो ये तो आप बता ही दोगे। 53 पे आते हैं, अब 53 फटाफट से बता दो। बोलो जी, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी ऑफ वर्क रिलेशनशिप, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और अडॉप्टेशन टू चेंज। बोलिए। ए बी सी डी, बच्चे कह रहे हैं 53 का सी होगा। देखो जी, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, सिस्टमेटिक अलॉट एलोकेशन ऑफ जॉब अमंग द वर्कर, क्लियरिंग इसके बाद क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, इससे क्या होगा अगर प्रॉपर हेल्प इन क्रिएटेड हायरार्किकल ऑर्डर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी, ध्यान से देख लो भाई। इसके बाद अडेप्टेशन टू चेंज, अकोमोडेट चेंजेस, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब ओवरलैपिंग अवॉइड होगी तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। तो सारे पॉइंट मिल तो रहे हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, अब आप देख लेना इसमें से, ठीक है। मैंने मार्क कर दिया, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, ये है, सी ऑप्शन है, ठीक है। आगे आ रहे हैं, बताइए। फ्लेवर फूड लिमिटेड इज कंप्लेन दैट सेल नूडल्स, इट रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली, इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज एट भुवनेश्वर एंड इट्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज दिल्ली। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड द कंपनी अडॉप्ट टू अचीव इट्स टारगेट। बताइए भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं और अलग अलग जगह पे हैं, फटाफट से बताओ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट दिल्ली में, अलग अलग डिपार्टमेंट से तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। एक बच्चा कह रहे हैं नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर, बोलो बोलो। अलग अलग डिपार्टमेंट बोले हुए हैं ना, क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग भुवनेश्वर में, मार्केटिंग दिल्ली में, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, सिंपल है। तो अब आगे आ जाओ। एज अ रिजल्ट ऑफ मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग ग्रीन इन ऑर्डर टू कीप इन लाइन विद द ट्रेंड। क्लैप अवे, अ कारपेट क्लीनिंग कंपनी हैज एडवर्टाइज दैट दे ओनली यूज नेचुरल क्लीनर दैट कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड ऑल द सर्विसेज, ऑल देयर सर्विस व्हीकल आर हाइब्रिड व्हीकल्स दैट यूज बोथ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। आइडेंटिफाई वन ऑफ द पॉइंट रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग बाय मैनेजर व्हिच इज बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव केस। अब आप फटाफट से बता दो, फोन साइलेंट कर देता हूँ एक मिनट में। हाँ जी, बताइए। गवर्नमेंट कह रही है जी गोइंग ग्रीन, पेड़ पौधे लगाओ, तो एक कंपनी ने मौके पर चौका मारा और कंपनी उतर गई और एडवर्टाइज करने लगी, भाई हमारे जो क्लीनर है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नेचुरल है, बहुत बढ़िया है। अब आप बताइए फटाफट से। हाँ, बच्चों ने आंसर बोल दिया है डी, 55 का डी या बी, बोलो। इट हेल्प्स इन असेसिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नहीं। आपसे पूछ रहा है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, ये बताना है। इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, इट हेल्प्स द फर्म टू गेटिंग आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। बताइए क्या होगा इसके अंदर, बी या डी? बहुत सारे बच्चे डी बोल रहे हैं, ओके डी टिक कर देते हैं। बी भी ठीक लग रहा है, एक बार केस स्टडी दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, फिर बहुत डिटेल में पता चल जाएगा। आइडेंटिफाई वन ऑफ द पॉइंट रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। देखो क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू कीप इन लाइन विद द ट्रेंड, क्लैप अवे, अ कारपेट क्लीनिंग कंपनी हैज एडवर्टाइज दैट दे ओनली यूज नेचुरल क्लीनर दैट कम्स विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कंपनी ने कहा, कारपेट क्लीनिंग कंपनी है और वो कह रही है जी हम वही क्लीनर यूज करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से आते हैं, एंड दैट ऑल देयर सर्विस व्हीकल आर हाइब्रिड व्हीकल्स विच यूज बोथ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे क्या होगा, ग्रीन रहेगा। तो इसमें लास्ट पॉइंट तो नहीं होना चाहिए भाई, डी पॉइंट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस किस लिए, प्रोडक्ट के लिए नहीं, वो तो अपने एडवर्टाइज कर रही है, अपने आप को ये शो कर रही है कि भाई हम, गवर्नमेंट ने कहा गो ग्रीन तो हम भी वही कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्लीनर ऐसे यूज करते हैं जो नेचुरल है और साथ साथ इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन चकाचक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वह बताओ क्या है यहाँ पे, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, इम्प्रूव परफॉर्मेंस,
बोलो जी, जल्दी जल्दी बताओ। तो वैसे तो इसका बी भी ठीक लग रहा है, डी भी ठीक लग रहा है, वैसे स्किप भी कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास, लेकिन फिर भी सोचो क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, अब जो भी है तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें बी भी ठीक लग रहा है, डी भी ठीक लग रहा है, सी भी ठीक लग रहा है मुझे तो। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, इससे कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। अब जो भी है देख लेंगे। ठीक है, तो डी टिक कर दो या बी टिक कर दो, जो भी है। गवर्नमेंट ने बोला एंड खरीदा, देयर फॉर बी। ठीक है, ओके, बी टिक कर दो या डी टिक कर दो, नो प्रॉब्लम। चलो आगे, बाकी आंसर की भेज दूंगा, देख लेंगे। ठीक है जी, 56। क्रिश हैज स्टार्टेड द बिजनेस। आंसर की में भी तो गड़बड़ है, आप लोगों के आंसर कीज में भी तो काफी गड़बड़े आ रही है, अब उसका भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्रिश हैड स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सक्लूसिव होम डेकर आइटम्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ डेकर 15 इयर्स बैक। ओवर द ईयर ही हैज एडवर्टाइज इनटू अ न्यू सेगमेंट लाइक होम फर्निशिंग, फर्नीचर एंड किचनवेयर। हाउएवर ऑल द प्रोडक्ट आर बीइंग सोल्ड इन द सेम ब्रांड नेम डेकर एज इट अपीयर टू बी ऑप्ट फॉर ऑल ऑफ देम। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर ऑफ गुड ब्रांड नेम बीइंग डिस्क्राइब्ड। बताइए जी, फटाफट से बताओ। आपसे गुड ब्रांड नेम के फीचर्स पूछ रहा है। उसने क्या करा, उसका एक डेकोर कंपनी है, डेकोरेशन डेकोर, ठीक है, और उसके अंदर उसने न्यू सेगमेंट स्टार्ट किया होम फर्निशिंग, फर्नीचर एंड किचन वेयर का। ऑल प्रोडक्ट सेम अम्ब्रेला ब्रांड नेम यूज कर रहा है, सेम ब्रांड नेम के अंदर सारे प्रोडक्ट। तो इसके अंदर बेसिक मैंने यही बोल ही दिया, वर्सेटाइल कैन बी यूज फॉर। उसने ऐसा डेकोर नाम रखा कि उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट वो ला सकता है, कोई भी न्यू सेगमेंट ला सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड जी, कुछ बच्चों ने सही पकड़ा है, इसका आंसर होगा वर्सेटाइल। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए चाहे आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट ले आओ उसके अंदर आ जाए, पतंजलि आटा दूध मोबाइल फोन भी आ जाएंगे उसके, सब उसी के अंदर, पतंजलि जी, पतंजलि, समझे। तो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए उसके अंदर आप कोई भी न्यू सेगमेंट या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो इजीली। तो ब्रांड नेम वर्सेटाइल होना चाहिए, ठीक है, कैन बी यूज फॉर ब्रांड एक्सटेंशन। आगे आते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब इन द गिवन स्टेटमेंट। फटाफट से बता दो, ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया था। हाँ, एप्पल, एप्पल गलत है, एप्पल भी ठीक है, एप्पल वो अपने आईपैड लेके आ रहा है, आईफोन लेके आ रहा है, टीवी लेके आ रहा है। एप्पल अभी ये एक कपड़ा भी लेके आया था कॉटन का फैब्रिक, तो नाम एक रखा ना उसने, ब्रांड नेम एप्पल। फटाफट से बताइए। हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मैनेजीरियल रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। बताओ भाई, इसमें रिलेशनशिप है ह्यूमन एंड मैनेजीरियल रिसोर्सेज का, फीचर आइडेंटिफाई करना है आपको। फटाफट से बताइए। तो बच्चों ने बता दिया है बिहेवियरल एपर चेयर के व्हील लाया 70K ओनली। आप जो भी है क्या बोले, तो बिहेवियरल बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है। चलो अब जो भी है, अब देख लो एप्पल जो भी ला रहा है, हमें क्या लेने हैं, लो नहीं तो मत लो, बोल थोड़ा ना लेने के लिए। रहीम वांट टू स्टार्ट विद अ स्टेशनरी बिजनेस टू रीच द स्टूडेंट ऑफ स्कूल्स एंड रहीम वांट टू स्टार्ट विद अ स्टेशनरी बिजनेस टू रीच द स्टूडेंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज टू प्रोवाइड देम प्रोवाइड स्टेशनरी टू देम। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ रहा है। ही फेल्ट दैट द स्टूडेंट वर नॉट एबल टू गेट द नीडी स्टेशनरी इजिली एंड हेंस वांट टू प्रोवाइड द स्टेशनरी डायरेक्टली इन द स्कूल। तो कह रहे हैं जी, स्टूडेंट्स को स्टेशनरी मिलती, सीधा स्कूल में प्रोवाइड करो। ही लिस्ट आउट वेरियस ऑप्शन फॉर सेटिंग अप दिस बिजनेस एंड फाइनली सिलेक्ट द बेस्ट वे। ये रही हमारी कीवर्ड, ठीक है, बाय डेवलपिंग द ऐप। उसने ऐप डेवलप करी और बेस्ट वे दे दिया। आप कह रहा है सजेस्ट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप टू बी फॉलोड बाय हिम। बोलो जी। तो उसने बहुत सारे वेरियस ऑप्शन देखे और बेस्ट को ऑप्ट कर लिया। अब आप बताइए अगला स्टेप क्या है। हाँ, वेरी गुड जी, बच्चों ने कहा आइडेंटिफाई वो ऑलरेडी कर चुका है, अल्टरनेटिव वो ऑलरेडी देख चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, ठीक है। हाँ, बच्चा कह रहा है फॉलो अप, प्लान तो इम्प्लीमेंट कर लो, फॉलो अप आप बाद में कर लेना। तो इम्प्लीमेंट वो आइडेंटिफाई कर चुका, दिखा हुआ है वेरियस ऑप्शन उसने आइडेंटिफाई कर लिए और उसके बाद बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया ऐप ओपन करने का, तो अब क्या करना है उसको, फॉलो अप एक्शन, सॉरी इम्प्लीमेंट ऑफ प्लान, प्लान इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो अप तो बाद में करेगा ना, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हो रहा है या नहीं। चलो जी, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। द मैनेजर मिस्टर यश स्ट्रिक्टली एड्रेस टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, द प्लान ले डाउन मैक्सिमम 20% डिस्काउंट टू बी ऑफर टू कस्टमर ऑन सेल ऑफ गुड्स। मिस्टर यश कुड नॉट प्रोवाइड 20 पॉइंट मिस्टर यश कुड नॉट प्रोवाइड 20.5% डिस्काउंट ऑन अ लार्ज ऑर्डर टू मिस्टर
जुजर एंड ओल्ड कस्टमर व्हेन ही डिमांड द सेम द फर्म लॉस द लास्ट लार्ज ऑर्डर एंड हेंस इनकर्ड लॉसेस व्हिच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज रेफर्ड हियर। अब यहाँ पे आपको कह रहा है, वो सिंपल बात बोल रहा था जी, उसने प्लान किया कि वो 20% का मैक्सिमम डिस्काउंट कस्टमर को ऑफर कर देंगे, लेकिन मिस्टर यश कुड नॉट प्रोवाइड 20.5% डिस्काउंट ऑन ऑर्डर ऑफ मिस्टर जुझर। अब जो भी नाम है पता नहीं, ओल्ड कस्टमर जो भी है, तो अब आप बता दीजिए क्या है, फटाफट से बताओ। इन्होंने प्लान किया 20% डिस्काउंट देंगे, लेकिन एक कस्टमर जो है यश, 20.5% डिस्काउंट कस्टमर को उसने नहीं दिया, उसने डिमांड किया था और उसने अपना कस्टमर खो दिया, लॉस हो गया कंपनी को। बोलो जी, वो आधा परसेंट डिस्काउंट ज्यादा मांग रहा था, वो कह रहा नहीं जी नहीं जी, हमें तो ऑर्डर है 20% से ज्यादा नहीं देना, हमारा प्लानिंग थी 20% ज्यादा डिस्काउंट किसी को नहीं देंगे। तो अब भाई प्लानिंग बंदे को बांध देती है ना, ठीक है, प्लानिंग बंदे को बांध देती है, रिजिट कर देती है। वो उसने डिस्काउंट नहीं दिया, उसकी वजह से उसके बिजनेस को लॉस हो गया, एक बढ़िया कस्टमर का ऑर्डर नहीं मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। आंसर दिए हुए मैंने इसके अंदर, अभी शो कर दूंगा, बाद में देख लेना। अमिताभ बच्चन द लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर भाई वाह इज ऑफन टू सीन इन अ टेलीविजन एडवर्टीजमेंट ऑफ गुजरात टूरिज्म। आया ना वो, आप लोगों ने एड देखा होगा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। आपसे पूछ रहा है, इन दिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट एनकरेज पीपल टू विजिट गुजरात एंड स्पेंड सम टाइम हेयर। आइडेंटिफाई द मार्केटिंग, व्हाट इज बीइंग मार्केटेड बाय अमिताभ बच्चन इन द अबव केस। बोलो जी, क्या मार्केट कर रहा है अमिताभ बच्चन? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। नाम ही क्लियर है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, सिंपल सी बात है, प्लेस को वो एडवर्टाइज कर रहा है। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारी ये पेपर होता है कंप्लीट, 1 घंटा 29 मिनट 11 सेकंड में पूरे सारे के सारे क्वेश्चन, अब जो भी है टाइमिंग। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। तो याद रखो, जीतेगा वही जो सीखेगा, तो सीखते रहो और जीतते रहो। बाय बाय, जय हिंद।